अरे बापरे, गाडीवरून प्रेग्नेंट महिला पडली साहेब, ड्रेनेज लाईन मुळे रोडचा सत्यानाश झालं, जीव गेल्यावर लक्ष देणार का, संतप्त नागरिकांचा सवाल। तर मंडळी, याबाबत मिळालेली अधिक माहिती अशी की नई जिंदगी परिसरातील शोभादेवी नगर ते स्वागत नगर व तसेच मरकस मेडिकलला जोडणारा रस्ता आहे अतिशय खराब झालेला आहे। ड्रेनेज लाईन मुळे रस्त्याचे खोदकाम झालेले आहे व रस्ता तसाच सोडून कर्मचारी व अधिकारी हे निघून गेलेले आहेत। पावसामुळे संपूर्ण रस्ता हे चिखलमय झालेला आहे। येणाऱ्या व जाणाऱ्या वाहनधारकांना व नागरिकांना या चिखलमय रस्त्यातून कसे बसे वाट काढावं लागत आहे। इतकेच नव्हे तर काल दुचाकीवरून एक प्रेग्नेंट महिला जात असताना दुचाकी चिखलमय रस्त्यामुळे घसरल्याने ती महिला पडली व त्याला उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करावं लागलं। इतकं सर्व होत असताना या रस्त्याकडे लक्ष कोणीच देत नाही। एक तर पावसाळ्याचे दिवस, शेजारीच शाळा असल्याने शाळेचे मुलं देखील याच चिखलमय रस्त्यातून ये जा करतात। वारंवार या रस्त्याबद्दल तक्रार करून देखील कोणीच याकडे लक्ष देत नाही। ना याकडे आमदार सुभाष देशमुख यांचे लक्ष आहे, ना नगरसेवकांचे लक्ष आहे। महानगरपालिकेचे अधिकारी या रस्त्याकडे येत नाहीत कारण रस्ता खराब आहे। आता तरी या खराब रस्त्याबद्दल संबंधित महानगरपालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी, आमदार किंवा आजी माजी नगरसेवक अथवा भावी नगरसेवक लक्ष देणार का, असा संतप्त सवाल शोभादेवी नगर येथील नागरिकांनी उपस्थित केला आहे। पहा, नमस्ते, मी सैपन शेख बोलतो आहे नई जिंदगी मधनं, शोभादेवी नगर रोड मधनं। इथं जे कॉर्पोरेशनचे लोक समधे नाश करून गेले, ते सेफ्टी टँक मुळे, ते ड्रेनेज पाईप कनेक्शन करतामुळे समजा चिखल झालंय। काल एक माणूस पडलोय, मी स्वतः परवाशी पडलोय, काल एक लेडीज पडली, त्याचा अपघात झाला तर कोण करणार? नगरसेवक आमदार कोण पण येत नाही, तर कोण लक्ष देत नाही। इथं आमचे नळाचे कनेक्शन वगैरे समजा काढून टाकलेले, चिखलामुळं समजा या जायला वाट नाही। आमची घरं बघा, रोड बघा, कसं झाले तर नागरिक समजे, नागरिक प्रमाणे तुम्ही सरकारी करावं आम्हाला, एवढी आपली विनंती आहे। सलाम अलैकुम, मी आशिष जमादार बीमार शंकर नगर से बात कर रहा हूँ। मरकज मेडिकल के यहाँ से लेकर स्वागत नगर के रोड तक यहाँ पे रास्ता बहुत ख़राब हो चुका है। तो यहाँ आमदार साहब देशमुख, इनका ध्यान नहीं है ये एरिया को, कई को मुस्लिम एरिया है बोलकर ध्यान नहीं है क्या? इधर यहाँ लोग आते जाते, परिणीति स्कूल है यहाँ, चार पाँच हज़ार बच्चंदा का आना जाना है। यहाँ परसों प्रेग्नेंट औरत गिरी यहाँ चिक्कड़ होने की वजह से, तो यहाँ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, यहाँ ध्यान कौन देने वाले हैं? तो आमदार साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ये रोड का काम करके दिए, और आज हम देशमुख साहब को निवेदन देने वाले हैं इस मुद्दे पर कि जल्द से जल्द ये रोड का काम हो। लोगों को तकलीफ बहुत हो रही है इससे, डेंगू मच्छर पिक्चर आ रहे, छोटे छोटे बच्चे है घर में, कैसा होने का? स्कूल के बच्चे गिर रहे, और परसों प्रेग्नेंट औरत भी गिरी जा, तो इसके लिए हम विनंती करते हैं कि जल्द से जल्द ये रोड का काम करके दे। रोड देखो कैसा है हमारा, ये पानी भी नहीं है, ये मच्छर है, बच्चे सब मच्छर को जैसे बीमार पड़ रहे घर में, कौन भी आ रहे नहीं सेवा, कौन भी देखने करने आ रहे नहीं अपने गली में। पूरा नल का पानी तो मिल रहा है नहीं, पूरा नल स्टोर को गए तीन चार बार, नल का तो है नहीं क्या भी, आठ दिन पंद्रह दिन छह दिन का पानी आ रहा है, वो भी पानी नहीं मिल रहा हम लोग को। रोड पूरी खराब है, पूरी रोड खराब है, बच्चे का आने जाने की दुनिया तकलीफ हो रहे हैं। रोड बराबर नहीं है जरा भी। एक अमल से औरत गिरी दो कल मिया पिसल के, तो कैसे करने का? हाँ, सब गरीब लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिम्मेदारी किसकी? ना अध्यक्ष देखते, ना मेंबर आके देखते, कौन भी आके देखते ना यहाँ पे, तो कैसा रहने का यार? डेंगू मच्छर दुनिया की प्रॉब्लम हो रही, बच्चे हमारी बहू तो निकल कर गई, वापस नहीं रहती बोलकर, बच्चे छोटे छोटे बोलकर, डेंगू मच्छर की वजह से, मच्छर की वजह ये गटार की वजह से ना बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं हमारे, पैसा सहन करने का? लाइटा तो बंद हुए ना, तीन तीन चार चार घंटे लेट जाती, पैसा करने का? लेट की भी तो इतने आ रहे कि बस कुछ नहीं, बात नहीं। लेडीज पड़ रही, कैसा कर रही है साहब? पूरा लेडीज सीधा जा रही नहीं आ रही, बच्चा को तकलीफ, हमेशा बच्चे पढ़ रही सब, तो बच्चा ना पड़े, इसका रास्ता काटो कुछ तो बना के दो हमको। धड़ाधड़ पड़ रही पब्लिक यहाँ पे, आँखों पर चिक्कड़ एकदम, अमल से औरत गिरी परसों दिन, कल बच्चा गिरे स्कूल के, कैसा करने क्या नहीं है? ताजा बातम्या पाहण्यासाठी प्राइम महाराष्ट्र न्यूज चैनल ला सब्सक्राइब करा।